कदम वो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना, हे कदम वो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना। कुंदनी रंग है गहरा हे लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा हे लिबास आज सुनहरा। चांदनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड सुबह बखैर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो क्या हाल है जनाब, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। और आज के व्लॉग में क्या होने जा रहा है जनाब, आज हमारे घर में है एक दावत, तो दावत है और इसके साथ इसके बाद जो है तो फिर मैंने खुद एक दावत अटेंड की है, यानी कि एक बारात अटेंड की है। तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ रहिएगा एंड तक, वीडियो को एंड तक देखें और फिर कैसी लगी है इसको लाइक भी करते जाएं और कमेंट भी करते जाएं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर। तो साथ में आपको ये भी बताती जाऊँ जनाब की दावत किसकी है। अभी जो पिछले दिनों मैं अपने चैनल पर शेयर करती रही हूँ शादी के मतलब, तो जो दुल्हन आई है कराची से, तो वही उन्हीं की दावत आज उसके ससुराल की और पूरे घर की दावत है हमारे घर में। तो यहाँ पे जनाब मैं खीर बना रही थी, साथ में मेरी जो है तो चूँकि रात की दावत है तो मेरी क्लास भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आते जा रहे हैं, मेरे साथ साथ उन्हें भी देखती जा रही थी। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि आज मैं दावत की तैयारी करने में अकेली नहीं थी, मेरी बड़ी सिस्टर भी थी, मेरी भाभी यानी कि मेरे मामू की बेटे की जो वाइफ है मेरी भाभी लगती हैं, तो वो भी मेरे साथ थी। तो हम लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, इसलिए साथ साथ मैंने बच्चों को भी पढ़ा लिया। तो यहाँ पे जनाब काम स्टार्ट हो चुका है, तो साथ में जनाब कटिंग वगैरह भी हो रही है, कुछ प्याज टमाटर काटे जा रहे हैं, साथ में गोश्त साफ़ किया जा रहा है। तो सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करते हैं कि कैसे हो रही है दावत की तैयारी। तो मेरे व्लॉग भी कुछ थोड़ा लेट आ रहे हैं जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन जब आप में से कोई पूछता है कि भाई आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बल्कि एक एनर्जी से हासिल होती है। तो थैंक्स लॉर्ड कि जिसने भी पूछा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द, बस इन पिछले दिनों में कुछ इतनी ज़्यादा मसरूफियत रही कि नहीं कर सकी मैं, मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है अपलोड करने में। बहरहाल यहाँ पे जो है तो हमारी तैयारी जारी है, तकरीबन आपको अंदाज़ा हो रहा कि अंधेरा हो गया है, गैस प्रेशर कम था, साथ में अंगीठी भी जलाई गई और साथ में जो है तो लकड़ियों वाला चूल्हा भी हम लोगों ने जला लिया है, तो टाइम कम था, काम ज़्यादा था। यहाँ पर साथ साथ मेरी बड़ी सिस्टर जो है तो सलाद बना रही थी, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। कोई जो है तो कौरमा बना रहा है, तो कोई बिरयानी और कौरमा तो खैर मेरी भाभी ने बनाया है, मैंने मीठा बनाया था, बाकी हम सब उनकी हेल्प करवाते रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। जी हाँ जनाब, तो जब दो तीन इंसान लोग मिल के काम कर रहे हैं तो मिल बाँट के काम कर लिया जाता है, तो काम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तो हम लोग कर रहे थे जल्दी जल्दी, फटाफट से चावल जो है तो बॉयल हो चुके हैं और अब जो है तो मेरी भाभी जो है तो बिरयानी को लगा रही हैं ते, तो मैं साथ साथ जो है तो वीडियो भी शूट करती जा रही थी, तो सारा काम जो है तो फटाफट से हो रहा था। खैर खाने में थोड़ी सी देर हो गई थी और सिर्फ इस वजह से हुआ कि गैस प्रेशर की वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, बहरहाल हो गया, वो काम भी मैनेज हो गया। जी हाँ जनाब, तो यहाँ पे इस तरह से बिरयानी कौन कौन खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो इस तरह से भी खाती हूँ। तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा और मेरी भाभी ने जब बिरयानी को तेल लगा ली तो मैंने उसी सालन के जो है देखे थोड़े से चावल डाले, साथ में खाना शुरू कर दिया, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह खाने में। यहाँ पे जो है तो बिरयानी को दम आ चुका था और अभी जो है तो मरला खाना सर्व करने का, तो यहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ जो दस्तरखान का भी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे और फिर अच्छा नहीं लगता कि सबकी जो है तो वीडियो बनाई जाए, दस्तरखान की मैंने बनाई, मैं कैमरा उस तरफ लेके ही नहीं गई, हम लोग बाहर सेन में थे, बाकी मेहमान वगैरह सारे कमरे में बैठे गए थे। उसके बाद हम लोगों ने मेहमानों को सर्व किया, फिर हमने खाया और ये अब दूसरे दिन का क्लिप आ चुका है।
तो अमूमन ऐसा ही होता है कि जब भी हम लोग दावत करते हैं तो रात को ही सारा कुछ समेट के, तकरीबन हर घर में ऐसा ही होता है कि बर्तन वगैरह धो के घर को साफ़ करके ही सोते हैं। लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मेरी जो भाभी उसके साथ छोटा सा बेटा था चंद माह का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता कि अभी आप लोग मेरे साथ काम करवाएँ, बस आप लोग जाएँ। अब आपका बहुत शुक्रिया इतना भी आपने मेरे साथ करवाया। तो मैं सुबह इंशाल्लाह आराम से बच्चों को स्कूल भेजूंगी और फिर सारे घर का काम कर लूँगी, कोई मसला नहीं होगा, आराम सुकून से मैं दिन को कर लूँगी। सो हमने सारा कुछ समेट के ऐसे ही रात को रख दिया और फिर सब चले गए। तो यहाँ जब सुबह हुई तो मैंने पहले पूरा घर तो पहले बाहर से सारा सहन उधर से साफ़ किए क्योंकि जगह काफ़ी चिकनी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने दस्तरखान वगैरह धोए, बर्तन सारे धोए ढेर सारे, तो तकरीबन 12-1 बजे तक मैंने काम ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद हमें शाम को एक बारात अटेंड करना थी, सो उसके लिए मैंने अभी कपड़े निकाले हैं। तो यही होता है कि अगर एक दिन दावत की जाए तो तकरीबन दूसरे दिन का इतना खाना बची जाता है कि बंदा दूसरे दिन ये फिक्र नहीं होती कि हांडी बनानी है, तो दिन का तो वही हो गया खाना। सो मुझे ये टेंशन नहीं थी तो मैं सुकून से काम करती रही। फिर मैंने शाम को जो है तो दावत पर जाना था ख़ुद भी, तो यहाँ पर मैंने फिर तैयार हुए मैं और हादिया, तो इधर आ गई मैं अपनी सिस्टर के यहाँ। तो कपड़े वगैरह तो पहन के आ गए थे घर से ही, तो बाकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अभी मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, तो कुछ जो है तो थोड़ा मेकअप का सेशन चल रहा है। मुझे मेकअप का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बस थोड़ी बहुत तैयारी की। और उसके बाद जनाब गाड़ी आ गई, तो यहाँ हम सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो शादी पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, अटक सिटी महरिया टाउन। तो शादी अटेंड करने हमने वहाँ जाना था, इसीलिए हम सब जो है तो इकट्ठे होकर गाड़ी में जा रहे हैं। सरकार मदीना लाए अनवार, मदीना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। हे कदम बो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना, हे कदम बो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना। कुंदनी रंग है गहरा हे लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा हे लिबास आज सुनहरा। चांदनी रात ने पहना तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। रोशनी गारे हीरा की मिल गई पर्दे शब को, रोशनी गारे हीरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिश नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है, बारिश नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना तलाल बदरो लैला, तलाल बदरो लैला, तलाल बदरो लैला, तलाल बदरो लैला। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना।